बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। गुजरांवाला से निकलते हुए मेरा यही प्रोग्राम था कि हमने जाके सबसे पहले अपनी फसल जो है वो कटवानी है। फसल यानी कि धान की फसल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है, जैसे आपने शुरू में देखा। और उस दिन से हमें अभी तक हार्वेस्टर नहीं मिला था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह हम हार्वेस्टर वाले से डील कर रहे हैं। सुबह सबसे पहले जाके उसके साथ आज में हमारी फसल काट के हमारी इस जिम्मेदारी से हमें दी जाए छुट्टी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बस आने वाला है। तो शुरू करवाते हैं इंशाल्लाह इसकी कटाई। अबू जान भी सुबह जल्दी आ गए थे और यहाँ पे लेटे हुए, और भाई मुबारक भी पहुँच चुके हैं मेरे साथ साथ ही। टाइम हो गया 1:45 का, और मशीन वालों के साथ कमिटमेंट थी हमारी सुबह 10 बजे की, अभी तक नहीं पहुँचे यार, पता नहीं क्यों क्योंकि इतना लेट कर जाते हैं। खैर अभी अभी फ़ोन आया उनका कि टायर जो है उनका पंचर हो गया, तो भाई मुबारक है उनकी हेल्प करने के लिए। जब तक भाई मुबारक आते हैं, हम जो कपड़े बिछाने हैं नीचे अपने इस अनाज के, उन्हें धूप में बिछा लेते हैं ताकि वो एक दफ़ा अच्छी तरह उनमें हवा फिर जाए, खुश्क हो जाए, धूप लग जाए थोड़ी सी। तो ये थे जी सारे कपड़े जो बिछा दिए नीचे, और अब इंतज़ार करते हैं फिर से एक दफ़ा गाड़ी वाले का। मशीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है और जा रही है खेतों में। और ये चीज़ पीछे छोड़ते जा रहे हैं जिसे कहते हैं कुटर। वैसे जो बीच में पौधे थोड़े सब्ज हैं वो इस तरह वेस्ट होते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़्यादातर तो खुश्क हो चुके हैं, लेकिन बीच में एक आधा का पौधा जो है वो बीच में है जिनको धूप लगने वाली थी, लेकिन अब यही काफ़ी है क्योंकि जो पौधे ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं उनका अनाज जो गिरता रहता है दाने यानी के, और ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं, नीचे से इकट्ठे करने का भी कोई चांस नहीं है। ये भी चावल है, वैसे कटर क्योंकि बाहर तक जाता खेत के तो ये रह जाते हैं बाहर साइडों पे। फिर भी बाकी की बरकत जो वो अल्लाह के हाथ में होती है। इन्हें फिर से फेंक देते हैं इन पौधों के ऊपर, यहाँ से वो उठा के और दाने जो है वो झाड़ लेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अबू के सुहाने के पौधे जो है वो बच गए हैं सारे, बहुत करीब से होकर गुजरा एक दफा कटर उसका, लेकिन बचा था। अल्हम्दुलिल्लाह चावल की फसल जो 2 एकड़ के करीब काटी गई है और तकरीबन 2.5 एकड़ बाकी है, वो भी करती है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि हमारा ओवरऑल जो अनाज है वो कितना निकला है। वैसे तो हमने डीलर्स को भी फ़ोन कर दिया जिन्होंने आके ये लेके जानी है, लेकिन अगर इकट्ठी यहाँ पे मिल गई हमें आपको दिखाने के लिए तो इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए इसकी दौड़ी।
अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 एकड़ के करीब जो वो कट चुकी है और ये आखिरी एकड़ है हमारी जो कि अब काटने जा रही है मशीन। यहाँ पे लगेगा जोर इसका क्योंकि एक तो ये गहरी है जमीन और दूसरा थोड़ी रेतली। कलर्स की डिवीजन देखिए, जहाँ पे धूप लग रही है वहां से चावल की फसल का रंग देखिए, माशाल्लाह गोल्डन इसे कहते हैं। थोड़ी सी यहाँ से और कुछ वहां से बच गई है जहां पे गाड़ी नहीं चल सकती थी। अब जो दरख्तों के नीचे रह गई है वो हमें हाथ से काटनी पड़ेगी, इतनी सारी मशीन फिरवाने के बाद भी हाथ से काम हो रहा था आप लोगों सिर्फ इन दरख्तों की वजह से। खैर चलो, अच्छे लगते हैं वैसे एक साइड पे लगे हुए, इसलिए हम इनका कोई भी जुगाड़ नहीं करने वाले, इनको इसी तरह जो है वो गुजारा करेंगे। और सारे खेत में से ये एंड में एक जंगी बची है, चुंगा जिसे कहते हैं। खेत खाली और उठाने वाले अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए आपको सारी की सारी जो हमारी फसल की आउटपुट थी यहाँ पे वो दिखा सकेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी चावलों का ढेर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल थ्रो हमारे सारे चावल की फसल का। रहन दो और इस पड़ोले को पड़ोला इसलिए कहा जाता है कि इसमें यहाँ पे सारे के सारे दाने जो है वो कैद हो जाते हैं। ये होती है इसकी कैपेसिटी। मशीन का काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, अब रह गया डीलर साहब का जिन्होंने आके ये अनाज उठाना है, तो जब तक वो नहीं आते तब तक हमें यहीं पे इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कितना इंतज़ार करवाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो मशीन वालों का इंतज़ार किया, अब उनका इंतज़ार भी देखते हैं। हानी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बारिक साथ ही जा रहे हैं चले आ जाए नीचे, काम बाकी है। ये फाइनल करवाते अल्हम्दुलिल्लाह टीम जिसने फसल उठानी है वो भी पहुंच चुकी है, तो अब उनके साथ भी तुलाई करवाते हैं और जल्दी जल्दी उनको भी फ्री करते हैं, बल्कि खुद को फ्री करते हैं। और काम करते करते जो है वो पड़ी है जो ऊपर डस्ट वगैरह उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी हो रही है, जल्दी जल्दी जा कर नहाने आप क्योंकि काम करवाते करवाते सूरज तो ढल जाएगा और हमारी वाली मोटर तो चलेगी नहीं, घर वाली मोटर जा कर चलानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ने अड्डा वड्डा लगा लिया और अब तुलाई शुरू करने वाले हैं। बस तराजू जो अल्हम्दुलिल्लाह जीरो हो गया, अब शुरू होगी भराई। मजीद हाँ जी।
क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ से निकालना मुश्किल होगा लोड के बाद, इसलिए अभी प्रोग्राम ये बनाया कि ट्रैक्टर को यहाँ पे लाके खड़ा करते हैं, तो यहीं से लाकर लोड करेंगे इंशाल्लाह बाकी के चावल। टाइम सवा छः का हो गया और अब जाके कहीं हमारा काम जो है वो ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी भी छुट्टी, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें समेटने वाली रह गई और वो समेट के फिर निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो गया सारा सामान और हम ऊपर हैं इस टाइम माशाल्लाह।